हेलो दोस्तों, एवलेनिगमा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हॉन्टेड और मिस्टीरियस जगहों की लिस्ट में आज हम एक और ऐसी जगह की बात बताएंगे जहां पर लोग जाने की हिम्मत तो रखते हैं पर वहां से निकलने के बाद उनका एक्सपीरियंस बहुत वियर्ड होता है और पैरानॉर्मल घटनाओं पर यकीन उनका बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अ हॉन्टेड कॉलोनी। गोरेगांव की तरफ एक कॉलोनी है जो बहुत फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। साथ ही लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए आते हैं। यहाँ का व्यू और यहाँ की हरियाली मन को मोह लेती है। पर यहाँ एक कॉलोनी है जिसका नाम एरेमिल कॉलोनी है जो कि हॉन्टेड है और इसको जाने वाली रोड बिल्कुल सुनसान है। इस रोड का इस्तेमाल तब किया जाता है लोगों द्वारा जब ट्रैफिक को अवॉइड करना होता है क्योंकि ये शॉर्टकट है पवई तक पहुँचने का। पवई सेंट्रल मुंबई में है जो कि रहस्य इलाका माना जाता है सेंट्रल मुंबई का। एरेमिल कॉलोनी में पैरानॉर्मल घटनाएं रिपोर्ट की गई है। अननोन फिगर्स ने इस रोड पर आने वाले लोगों की संख्या कम कर दी है। पहले बात करते हैं यहाँ होती एबनॉर्मल घटनाओं के बारे में। कई लोगों ने यहाँ पर रात को रोती हुई औरत की आवाज सुनी है जो अपने लिए मदद मांगती है। वहीं कई लोगों ने किसी बच्चे की आत्मा को सड़क के किनारे घूमते हुए देखा है। बहुत सारे लोग इन घटनाओं की वजह से यहाँ से रात में ट्रेवल करना अवॉइड करते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ एक औरत का साया है जो रात को लिफ्ट मांगता है और अगर लिफ्ट नहीं दी तो वो आपका पीछा करने लगता है। पर जो भी है बड़ा ही खौफनाक है और दहशत भरा है। इस रास्ते को ऑटो रिक्शा वाले तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि एक बार यहाँ एक ऑटो वाले ने किसी पैसेंजर को लिफ्ट दी थी और वो पैसेंजर आधे रास्ते में ही गायब हो गया था। उस दिन के बाद से ऑटो रिक्शा वालों के बीच में एक दहशत का माहौल है। वहीं कई लोगों ने यहाँ से गुजरते टाइम अजीब सी फिगर नोटिस की है। एक दिन एक आदमी यहाँ से बहुत तेज स्पीड में अपनी गाड़ी से जा रहा था और अचानक उसे लगा कि उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ गया है। जब वो गाड़ी से उतरा तो उसने वहाँ कुछ नहीं पाया पर उसने वहाँ एक गुड़िया देखी जो काफी अजीब थी और उस पर पिंस लगी हुई थी। इस गुड़िया का मतलब आपको कुछ देर में समझ आ जाएगा। यहाँ सुनसान है इसलिए यहाँ क्राइम्स भी बहुत होते हैं। पर यहाँ इतनी दहशत क्यों है? इस सवाल का जवाब यहाँ हुई कुछ प्रक्रिया है। दरअसल एक टाइम यहाँ लोग जादू टोना करवाने आते थे क्योंकि ये जगह बाबा तांत्रिकों का अड्डा बन गई थी और यहाँ लोग जादू टोना करके सड़क की ओर चीजों को फेंक देते थे। लोगों ने यहाँ से गुजरते टाइम लाल साड़ी, चूड़ी, बिंदी, गुड़िया जैसी कई चीजें सड़क पर देखी हैं। इसलिए उस दिन उस आदमी को एक गुड़िया दिखी थी। इन प्रक्रियाओं को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ इन सब चीजों पर रोक लगा दी थी। फिर भी यहाँ पर ये सब चीजें होती हैं। सुंदरता और शांति से भरा ये एरिया फिल्म इंडस्ट्री को भी एक बहुत सुंदर सी लोकेशन देता है। इसलिए इस कॉलोनी के आसपास अक्सर शूट्स चलती रहती हैं और यहाँ पर कई मूवीज शूट हो चुकी हैं। शुरुआत में यहाँ पर देर रात तक मूवीज भी शूट हुई हैं लेकिन जब से यहाँ पर डर का माहौल बना है तब से यहाँ मूवीज की शूटिंग थोड़ी जल्दी फिनिश हो जाती है या फिर कैंसिल ही हो जाती है क्योंकि क्रू एक्टर यहाँ इस एरिया के आसपास काम करने से कतराते हैं या मना ही कर देते हैं। इन सब घटनाओं का कारण यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर जादू टोने की वजह से डर का माहौल है और एबनॉर्मल एक्टिविटीज भी उसी कारण से होती है। पर वहीं कई लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक बार गुंडों ने एक फैमिली को लूटा था और पूरी फैमिली को मारकर जंगल में फेंक दिया था। उसी के बाद से उस फैमिली की आत्मा यहाँ पर दिखती है। पर एक बार इतिहास पर नजर डालते हैं इस एरे कॉलोनी के। एरेमिल कॉलोनी एक जंगल है जो इको सेंसिटिव जोन में आता है। इस साइड एक कॉलोनी भी है जो गोरेगांव ईस्ट में है जो कि 1949 में बनाई गई थी और इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर द्वारा 1951 में किया गया था जो कि उस टाइम के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इस जंगल को रिजर्व करने के लिए यहाँ पर कई मूवमेंट्स भी चलाए गए क्योंकि इस कॉलोनी और इसके पास में जंगल पर बार बार खतरा मंडराता है कटने का। दरअसल ये सब शुरू हुआ जब सन 2000 में मुंबई में मेट्रो की लाइन लाने के लिए एरे कॉलोनी के एरिया को बीच में लाया गया और धीरे धीरे जैसे मेट्रो का निर्माण शुरू हुआ, मेट्रो शुरू हुई तो इस एरिया को भी कवर करने की बातें शुरू हुई और फिर बात आई इस एरिया के 2000 पेड़ काटने की। और इसी बीच आया लोगों का विरोध, सेलिब्रिटीज का विरोध और फेमस हो गई ये कॉलोनी। और इसी बीच इस एरिया मिल्क कॉलोनी में भूत है ये बात सामने आई। ये सब हिस्ट्री क्यों बताई आपको? क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इस एरिया को बचाने के लिए ही लोगों ने यहाँ पर इस
एरिया में भूत है ये कहानी फैलाई है। बढ़िया होती जादू टोने की प्रक्रियाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या है यहाँ पर और क्यों है ये तो यहाँ एक्सपीरियंस करने वाला ही बता सकता है। आप लोग क्या सोचते हो इस एरिया के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं।